हाय, मेरा नाम प्रिंस है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी मोबाइल से लैपटॉप के अंदर स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं तो लैपटॉप में जो वायरलेस स्क्रीन है उसका ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है। तो चलो मैं आपको लैपटॉप में दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको जाना है विंडोज़ के आइकन पे, देन आपको क्लिक करना है सेटिंग्स, फिर आपको जाना है सिस्टम के अंदर। इसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट टू दिस पीसी। अब आप राइट साइड के सेकेंड टॉप पे देखोगे तो ऐड वायरलेस डिस्प्ले ऑप्शनल फीचर टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी। तो इनका कहना है कि जो वायरलेस डिस्प्ले है उसका ऑप्शन ऐड करो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वायरलेस डिस्प्ले को ऐड करना है। तो इसके लिए आपको अगेन जाना है विंडोज़ पे, फिर आपको जाना है सेटिंग के अंदर। इसके बाद आपको जाना है ऐप के अंदर। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शनल फीचर शो कर रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ऐड ए फीचर शो कर रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सर्च करना है वायरलेस डिस्प्ले। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है, देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल। तो कुछ देर आपको वेट करना है जब तक इंस्टॉल हो जाए। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा अगेन आपको यहाँ पर आना है, फिर आपको जाना है सिस्टम। इसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट टू दिस पीसी और यहाँ पर देखोगे तो ये ऑप्शन शो हो रहा है लॉन्च द कनेक्ट ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके जो भी आपका मोबाइल का स्क्रीन है उसको आप शेयर कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर कुछ इस प्रकार से। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आपको मोबाइल स्क्रीन को लैपटॉप के अंदर शेयर करना है तो इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया जिसका लिंक आई बटन में आ रहा है, तो आप जाकर वीडियो को वॉच कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको वायरलेस डिस्प्ले को ऐड करना है अपने लैपटॉप के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।